भोपाल में एटीएम में फ्रॉड का एक मामला सामने आया। एटीएम मशीन से किसी ने एटीएम क्लोन कर युवक के खाने से पैसे निकाल लिए। ये घटना दानिशकुंज एटीएम में हुई है। एटीएम में युवक का कार्ड अटक गया था। काफ़ी प्रयास के बाद कार्ड नहीं निकला तो युवक ने सादे पेपर पर लिखे नंबर पर फ़ोन किया। सामने वाले शख्स ने युवक को पिन नंबर डालने की बात कही। पिन नंबर डालते ही कार्ड बाहर आ गया, लेकिन दूसरे दिन युवक के खाते से 40,000 रुपये निकल गए। युवक ने कोलार थाना पुलिस को इसकी शिकायत की है। बीते 2 दिनों में दानिशकुंज एटीएम से धोखाधड़ी की ये दूसरी घटना है।